हेलो एंड वेलकम टू टेक इनफो वाईडी। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं Node.js MySQL CRUD ऑपरेशन। तो एक CRUD प्रोजेक्ट हम इसमें क्रिएट करेंगे जिसके क्रिएट, अपडेट, रीड और डिलीट की फंक्शनैलिटी हम देखने वाले हैं। तो मैं बता देता हूँ क्या क्या हम करेंगे। जैसे कि पोस्टमैन में चलते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं एक प्रोजेक्ट हमने बनाया हुआ है MySQL_CRUD और इसमें हमारे पास सारे ऑपरेशन है। जैसे कि देखिए, स्टार्ट में हम क्रिएट कर सकते हैं एक न्यू यूजर, मैं यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे कि इसका नाम हम रख लेते हैं एडमिन, या फिर जॉन कर लेते हैं इसका नाम जॉन। रोल नंबर 5 ऑलरेडी मेरे पास रिकॉर्ड है तो मैं यहाँ पर इसको 5th नाम दे रहा हूँ। आईडी पास नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आईडी ऑटोमेटिक भी वो ले लेगा। सो यहाँ पे मैं इसको 6 कर देता हूँ, फिर भी सेफ्टी साइड के लिए सेंड पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए, न्यू स्टूडेंट रिकॉर्ड क्रिएटेड। उसके बाद में हमारे पास ऑल स्टूडेंट की API है। यहाँ पे जैसे देखिए, अभी फिलहाल 4 रिकॉर्ड शो कर रहा है। सेंड पर क्लिक करूंगा तो 5 रिकॉर्ड बराबर से शो कर रहा है। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये बराबर से आ रहा है। उसके बाद में गेट बाय आईडी, तो आईडी के बेस पे भी आप इसको फाइंड कर सकते हैं। फिर अपडेट है और इसी तरीके से आप जो है डिलीट ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये सारा CRUD ऑपरेशन हम इस वीडियो में कवर करने वाले। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। उसी के साथ में आप ज्वाइन भी कर सकते हैं अगर आपको करना है तो, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो प्रोजेक्ट पर काम करने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर सॉफ्टवेयर सेटअप देख लेंगे, क्या क्या चीज़ें हमको डाउनलोड करना है और क्या क्या चीज़ें हम यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले आपको जाना है Node.js की ऑफिशियल वेबसाइट पर और यहाँ से LTS वर्जन को डाउनलोड करना है। इसमें करंट भी है, करंट में लेटेस्ट फीचर रहते हैं लेकिन इसमें बग्स भी हो सकते हैं जो कि प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो आप क्या करें, यहाँ से LTS वर्जन को डाउनलोड करें। सिंपल डाउनलोड पर क्लिक करना है और ये डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद इंस्टॉलेशन बहुत सिंपल है, इसको ओपन करें, ओके पर क्लिक करें तो यहाँ पर इंस्टॉलर ओपन हो जाएगा। मेरे केस में ऑलरेडी यहाँ पर इंस्टॉल है तो मैं डबल से इंस्टॉल नहीं करूँगा। आप इसको जो है नेक्स्ट नेक्स्ट पर क्लिक करें, ये डाउनलोड हो जाएगा। इसको आप चेक कर सकते हैं, जैसे कि मैं इसको कट कर देता हूँ। पहले कमांड प्रॉम्प्ट आपको ओपन करना है और यहाँ पर आप सर्च करेंगे Node-V, तो जो भी वर्जन आपके सिस्टम में इंस्टॉल रहेगा वो यहाँ पर शो करेगा। मेरे केस में देखिए 18.15 है और अभी LTS वर्जन 2010 चालू है। तो हो सकता है फ्यूचर में अगर आप ये वीडियो देखें तो और हायर वर्जन आपको देखने मिल सकता है। तो एटलीस्ट 18.15 होना चाहिए इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करने के लिए। उसके बाद में हम यहाँ पर REST APIs के लिए Express.js का यूज करने वाले हैं। Node.js के साथ में मोस्टली जो है Express का यूज किया जाता है और काफी ईजी है। डॉक्यूमेंटेशन भी आप इसका देख सकते हैं, गेट स्टार्ट पर क्लिक करिए। बहुत सिंपल है कैसे आप जो है यहाँ पर एक्सप्रेस का सर्वर क्रिएट कर सकते हैं। इसमें आप जो है फ्रंट एंड भी क्रिएट कर सकते हैं। कोई भी Node.js के बहुत से फ्रेमवर्क आते हैं इसके साथ में, तो वहाँ पर जो है फ्रंट एंड के लिए लाइब्रेरीज आती है, जैसे कि रिएक्ट हो गया। हम यहाँ पर REST APIs देख रहे हैं तो हम कोई भी फ्रंट एंड यहाँ पर यूज नहीं करेंगे। उसके अल्टरनेट में हम क्या करने वाले, पोस्टमैन टूल का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास कोई भी फ्रंट एंड नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, अपने REST APIs को पोस्टमैन टूल में चेक कर सकते हैं। तो इसको भी आप यहाँ से डाउनलोड कर लें, गूगल भी करेंगे डायरेक्ट लिंक आपको मिल जाएगा। विंडोज, मैक, लिनक्स तीनों के लिए अवेलेबल है। कोई भी साइनअप करने की जरूरत नहीं है, फ्री वर्जन इनफ है। डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल कर लें। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर टेक्स्ट एडिटर के लिए जो है विजुअल स्टूडियो कोड का इस्तेमाल करेंगे। काफी पॉपुलर और काफी अच्छा इंटेलिजेंस हमको इसमें मिल जाता है। लेकिन अगर आप कोई दूसरा टेक्स्ट एडिटर यूज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में डेटाबेस के लिए हम क्या करेंगे, MySQL का यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो सिंपल पहले क्या करें, आप यहाँ पर डाउनलोड्स में जाइए, फिर नीचे स्क्रॉल करना है आपको। उसके बाद में देखिए यहाँ पर कम्युनिटी वर्जन आपको शो करेगा, इस पर क्लिक करिए और यहाँ से आपको जो है वर्क बेंच को डाउनलोड करना है। तो मैं अभी विंडोज पर हूँ तो कुछ इस तरीके से ये शो करेगा। और अगर आप कोई दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पर है तो यहाँ से इसको सेलेक्ट करिए, जैसे कि Ubuntu, macOS, तो सभी के लिए ये अवेलेबल है। यहाँ से सिंपल आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे और उसके बाद में सिर्फ आपको जो है नो थैंक्स जस्ट स्टार्ट माई डाउनलोड पर क्लिक करना है। तो यहाँ से देखिए ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये डाउनलोड हो गया, सिंपल इसको आपको इंस्टॉल करना है। ओके पर क्लिक करिए, कुछ इस तरीके से आपको जो इसका विजिट नजर आएगा। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आप पाथ को सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं सिंपल मैं डिफॉल्ट रखता हूँ। उसके बाद में कंप्लीट फीचर के साथ मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और उसके बाद में सिंपल इंस्टॉल। तो MySQL का वर्क बेंच हमारे सिस्टम में इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लेगा। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से परमिशन भी पूछता है। तो यहाँ पर ये डाउनलोड हो रहा है,
और यहाँ पर ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। फिनिश पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली वर्क पेज ओपन हो जाएगा। इसमें हम क्या करने वाले, हमारे डेटाबेस को डिजाइन करेंगे और चेक करेंगे कौन सा डेटाबेस हम यहाँ पर यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से आपको इसका इंटरफेस नजर आएगा। फाइल पर क्लिक करके आप न्यू मॉडल क्यूरी सब कुछ एसक्यूएल का जितना भी स्क्रिप्ट है आप यहाँ पर रन कर सकते हैं। डेटाबेस पर क्लिक करेंगे तो देखिए कनेक्ट टू डेटाबेस, मैनेज कनेक्शन, स्कीमा ट्रांसफर विजार्ड, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। फिलहाल इसको रहने देते हैं। जैसे हम MySQL के साथ में कनेक्शन देखेंगे तब क्या करेंगे, उससे पहले एक यहाँ पर डेटाबेस क्रिएट कर लेंगे, यानी एक स्कीमा हम इसके अंदर बना लेंगे। फिलहाल इसको कट कर देते हैं। तो ये सारा बेसिक सेटअप था, ये सारे सॉफ्टवेयर हमको चाहिए। इसी तरीके से VS कोड भी आप डाउनलोड कर लें, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे ये इंस्टॉल हो जाएगा। पोस्टमैन टूल का भी सेम है, डाउनलोड करके नेक्स्ट नेक्स्ट पर क्लिक करिए और आप चाहे तो साइन अप भी कर सकते हैं या फिर फ्री में भी आप उसको यूज कर सकते हैं। जैसे हमारे REST APIs क्रिएट हो जाते हैं तब हम क्या करेंगे, उस पोस्टमैन टूल का इस्तेमाल करेंगे। फिर हमको एक्सप्रेस का भी यूज करना है तो इसको हमको डाउनलोड करना पड़ता है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, बेसिक सर्वर क्रिएट करेंगे और उसके अंदर एक्सप्रेस का इस्तेमाल करेंगे, यानी एक्सप्रेस की मदद से हम एक सर्वर क्रिएट करेंगे। फिर उसके बाद में डेटाबेस पर काम करेंगे और नोड के साथ में इसको कनेक्ट कर लेंगे।